हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है खेसारी लाल यादव का स्टेज शो। और स्टेज शो भी क्या कह सकते हैं, वीडियो का टाइटल ही मैं आपको बता देती हूँ। आज सिवान में खेसारी लाल यादव जी पहुँचे अपने जीवन यादव जी के नामांकन में और लाखों दर्शक के बीच में। तो हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और किसी वीडियो का रिएक्शन लेके आऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। तो चलिए हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बताएंगे। फोटो खींचने वाले पीछे चले जाएंगे। फोटो खींचने वाले प्लीज पीछे। सही राजा हुआ और हमारा जीवन के शुरुआते जिगिया से भैया सिवान से शुरू भैया। जब हम 8 बरस के रहनी तो जी रामा शंकर चाचा के यहाँ हम रहे बनी 1 साल। तो बचपन से सिवान के बहुत बड़ा योगदान बा, वही योगदान के फिर पूरा करे खातिर वो लोग जगह खेसरिया के स्टार बना देंगे, वही जीवन भाई के स्टार बना दे। देखिए नेता तो बहुत रही है, बहुत वादा भी करी है, सब कुछ होगा, लेकिन जब रेव बीच के केहू जाए के बीच के जाए तो कल फिर वो लेकर खड़ा हो। तो रुवा लोग अपना बेटा के अपना परिवार के आशीर्वाद दे तो आज कल रुवा काम में जरूर आए। जिंदगी में कहे खाली तो बहुत कुछ बाकी हाई हो जाइए, हाई हो जाइए का कहो तो हमनियो के लोग कहते बा। हम के उनके विरोध करे नहीं किए लड़ाई के उनके विरोध करे सभे जन कर हम न्यूट्रल आदमी हैं। हमरा खाली जनता से मतलब रहेला, जेकरा से प्रेम रहेला ओकरा लगे हम जाई जाई। तेंगे तेंगे भाजी तेंगे जीत गई है ना बाद जितना हीरोइन लोग भाई हमारे जो क्षमता बने के आ गया। और यही जिज्ञा कार्यक्रम करब और रात भर तर लोग के गाय बजाय नाचम जाना जाना हीरोइन के कहबल सब चले के। अरे क्या बात, विकास जीवन के विकास करी है और तारा लोग के मनोरंजन के काम खेसारी लाल यादव करी है। तो जितना ही बोल रहा हूँ तनी हालत के चोट से हाथ उठा लो। आई लव यू। खाली मोबाइल चले कर तो जिंदगी में बस आप सबसे एक वादा करके जा रहा हूँ, इस भाई को जल्दी से आप भेजिए दिल्ली ताकि खेसारी यहाँ आए तो आप सबका मनोरंजन ऐसे ही कराता रहे। अभी हमारे बिहार के 3 बच्चे टॉपर किए मैट्रिक में और तीनों जगह भाई मैंने बोला और लैपटॉप लेकर पहुंच गए और तीनों का सम्मान दिया। तो जो आदमी अपने सम्मान और आपके अधिकार के लिए लड़ता है, कोशिश करिए कि हम भी उसको उस लायक बना दें कि आज इनके पास कुछ क्षमता नहीं है, कोई पावर नहीं है, बस आप लोग का आशीर्वाद लेकर 2 पैसे कमाते हैं और आपके बीच में खर्चा करते हैं। लेकिन जिस दिन पावर आ जाएगा सोचिए कि ये आदमी सिवान के लिए क्या कर सकता है। तो आप सबका अब नेतृत्व बनता है और आपका दायित्व बनता है कि कोई आपके बीच में आकर कुछ करना चाहता है तो कोशिश करें कि आप भी उसके लिए अपना बेशकीमती दुनिया का सबसे बड़ा कीमती चीज आपका वोट होता है और उस वोट को देकर और इस भाई को जल्दी से दिल्ली भेजेंगे ना। फिर हम बीच में आईबे करब 7 जून के हमारे को सिनेमा रिलीज होता रंग दे बसंती। बहुत स्ट्रगल कर रहे रंग दे बसंती वो इंडियन ना ही है, ईरानी ही है।
ईरान सैन भी और माई ईरानी भी है। तो हम आए प्रमोशन करे भी आए सब के बीच में 7 तारीख के लोग हमरो खाती हॉल में जाके और आशीर्वाद दे बड़ा घाम लगता हो मतलब कम से कम फिर करिए हो जब तो दिक्कत हो गए बिल्कुल चला तो फिर शामी के मिल जाए टेंगो टेंगो तो बस यही है और मैं रात भर कार्यक्रम करूंगा आप सबके बीच में। आप लोग अब चला जाएगा नॉमिनेशन में खेसारी भैया गोलू भैया हमारे आए सभी भाई युवा भाई गार्जियन हमारी बहनें माँ सब लोग नॉमिनेशन में चला जाए फिर उसके बाद खेसारी भैया आएंगे और आपको संबोधन संबोधित करेंगे। चलिए तो मैं जीत के हमारा पहना दिलाऊंगा पक्का ना सही ना रे भाई जीत के माला हम आज ही पहना देते हैं और जल्दी से जिताओ यार और दिल से प्रणाम आप सबको कि इस सिवान की बड़ी योगदान है खेसारी के पीछे खेसारी को बहुत आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है और बस आप सबसे कुछ भीख मांगने आया हूँ अपने भाई के लिए जो दिल का राजा है जो आपके जरूरत में आपके काम में आपके हर उस व्यवस्था में हमेशा रहने की कोशिश करते हैं तो उनका अपना प्यार और आशीर्वाद और दुलार देकर जल्दी से दिल्ली भेजिए कि खेसरिया फिर से आप सबके बीच में आए। तो जी बहुत अच्छी वीडियो थी खेसारी भैया सपोर्ट करने के लिए आए थे सिवान में जो खड़े हुए हैं मैं नाम भूल गई क्या नाम था सनी था ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दे मैं नाम ही भूल गया और मैं इतना वो टेंगे टेंगे चल गया मेरे दिमाग में ना अभी भी मेरे दिमाग में टेंगे टेंगे भोजी लेंगे यही चल रहा है मैं नाम भूल गई। खैर कोई बात नहीं आप लोगों को तो नाम पता ही होगा तो वो सपोर्ट करने के लिए आए थे एंड आई होप कि भोजपुरी की जो जनता है जो सिवान की जनता है वो उनको सपोर्ट करेगी क्योंकि देखो हर कोई क्या चाहता है विकास हो। मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई पहली बार खड़ा हुआ तो उसको एक मौका दो ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि हाँ मैं इस लायक बना हूँ आप लोग मेरे पे विश्वास कर सको है ना। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप 5 साल के बाद मत उसको वोट देना अगर आपको अच्छा लगता तो उसको रख लेना ठीक है लेकिन एक मौका तो सबको देना चाहिए जो भी नया इंसान आता है उसको मौका ज़रूर देना चाहिए और आई होप कि आप लोग इनको भी मौका दोगे और जिताओगे और जब ये जीत जाएंगे तो खेसारी भैया बहुत सारी मॉडल्स को बहुत सारी एक्ट्रेस को लेके आएंगे एंटरटेन करने के लिए तो वो भी हम देखेंगे खेसारी भैया अपनी बात पे खड़े उतरेंगे कि नहीं लेकिन वो ज़रूर आएंगे ऑब्वियसली आएंगे वो कुछ बोल देते हैं तो वो करके दिखाते हैं तो वो जिसको भी सपोर्ट करते हैं दिल से सपोर्ट करते हैं ये आप बात हम सबको पता है तो मुझे उम्मीद है आप लोग उनको भी सपोर्ट करोगे। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें टाटा बाय बाय।